हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे सभी वीडियोज का। मैं तीन वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, एक मैथ की जिसका टाइमिंग है 2 से 3, एक रीजनिंग की जिसका टाइमिंग है 9 से 10, और एक लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोज देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज अगर वीडियो आपकी समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। ये रेलवे परीक्षा 2005 में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी जो मैं देख रहा हूँ एएलपी टेक्नीशियन के पेपर एनालिसिस मैं डेली करता हूँ, जो जब जब आपका एग्जाम होता है, तो अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे भी आ सकते हैं, आपके ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, आरपीएफ में भी आ सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको रेशो दे दिया है 4 वर्ष बाद का, तो हम क्या लिख सकते हैं इनकी 4 वर्ष बाद वाली एज क्या होगी, 3x और 4x, ठीक है। अगर इसमें 3x और 4x में से -4 कर दूं तो ये जो रेशियो था आपका ये कब का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का बन जाएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का है और हमें जो डिफरेंस दे रखा है अनिल तथा सुधीर की आयु का वो प्रेजेंट का दे रखा है। प्रेजेंट में उनकी जो आयु का डिफरेंस है वो कितना है, 6 वर्ष का है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपकी बन जाएगी, 3x माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 4x माइनस 4, और ये किसके को हो जाएगा, 6 के। अभी आप समझे इस बात को, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इजीली बिल्कुल आपका 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा, 3x माइनस 4x बराबर 6। यहाँ पे 3x माइनस 4x कितना बचेगा, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 6 है, अब आप किसी की भी एज निकाल सकते हैं, चाहे प्रेजेंट की पूछे, 4 साल बाद की पूछे, कभी की भी पूछ ले। तो यहाँ पे ये आपको रेशो दे रखा है, अगर मैं इस 3x जो 3x इसकी 4 साल बाद वाली रेशो एज 3x हो जाएगी, तो इसमें x की जगह हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 3×6 18, और ये 4x का रेशो सुधीर का, तो ये हो जाएगी 24, ठीक है। 18 और 24 हो गई कब की, 4 वर्ष बाद की, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा, सुधीर की वर्तमान की आयु, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो सुधीर की ये जो 24 आई थी उसमें 4 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल, ये राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे ही। 6 वर्ष पूर्व सुधीर की आयु स्नेल की आयु का 3 गुनी थी, यहाँ पे सुधीर और स्नेल है हमने लिख लिया, और 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो हमें पता चल गया, क्या पता चला है, सुधीर की आयु स्नेल की आयु का 3 गुनी थी, यानी कि स्नेल की आयु अगर 1 होगी तो सुधीर की कितनी हो जाएगी, 3, ये रेशो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, तथा 6 वर्ष बाद सुधीर की आयु स्नेल की आयु का 5/3 है, यानी कि यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, 5/3 का मतलब है सुधीर की आयु है ना, सुधीर की आयु स्नेल की आयु का 5/3, तो सुधीर की 5 हो जाएगी और स्नेल की 3 हो जाएगी। स्नेल की वर्तमान आयु कितनी है, तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, बस आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बतानी है। अभी आपको 2 रेशो पता चल गए, ठीक है, इन दोनों का चेक करिए डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम है तो आपका क्वेश्चन बन गया बहुत ही सिंपल, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी इस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी लेवल का आएगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2:2 है भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये जो ये है आपका रेशो पहले वाला है 3:1 वाला है, कब का है, 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पहले का, तो -6 मैंने लिख दिया। फिर ये वाला रेशो कब का है, 6 वर्ष बाद वाला, यानी कि +6 लिख दिया। अभी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आया है, और एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस एज का कितना हो गया है, एज का हो गया 12 वर्ष का, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट वाली लकीर मैंने खींच दी, तो इससे 6 वर्ष तो पहले ये जा चुका है, ठीक है, यानी कि पूर्व की बात की गई है, 6 साल बाद की बात की गई है, तो टोटल इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया भाई, इधर से ही आएगा 6 वर्ष, तो यहाँ पे आएगा, इधर से ये जाएगा, तो कितना होगा, टोटल 12 वर्ष का डिफरेंस हो गया, यानी कि जो ये रेशियो में 2 दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में 12 है, ठीक है। तो इस 2 के इक्वल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 के इक्वल क्या, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के इक्वल 6 है, तो आप किसी की भी आप एज निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया है, स्नेल की वर्तमान आयु क्या होगी,
ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ स्नेल, तो स्नेल की वर्तमान आयु आप किसी में भी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 6 प्लस करना पड़ेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो स्नेल की हम 3 कर देते हैं, 6 इंटू 3 तो कितना हो गया 18। अब 18 जो है ये कब के, ये 6 वर्ष बाद की आई है एज, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप इस बात को? ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं देखने के बाद में आपका वहां पे रिप्लाई करूं या ना करूं, नेक्स्ट किसी ना किसी वीडियो में कवर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी के भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रेलगाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से मैं कई तरीके के आपको क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। देखिए, दो रेलगाड़ियां समान दिशाओं में, यानी कि सेम दिशा में ही जा रही है, सेम डायरेक्शन जा रही है, दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतः 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अभी एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ध्यान से देखिएगा, एक ही डायरेक्शन में, एक की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे बोला कि ये एक दूसरे को कितनी, 1 मिनट में काट लेती है, यानी कि ये वाली जो तेज चलने वाली ट्रेन है इसको 1 मिनट में पार करके निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो आपकी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई तो दे दी 125 मीटर और दूसरे वाले की लंबाई हमें नहीं पता, वो आपको निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा, ये टी बराबर, यानी कि टाइम आपको निकालना होता है जब भी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है दो ट्रेन या फिर कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट, दोनों की लंबाई को हम प्लस कर लेते हैं और दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों की चाल का डिफरेंस, यानी कि एस वन माइनस एस टू हम लेते हैं। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, देखिए एक टाइम आपको पता है 1 मिनट, यानी कि हम यहाँ पे मीटर में बात, यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी आपकी जो दे रखी है ये मीटर में दे रखी है, तो मीटर में दे रखी है तो इसका मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे मीटर सेकंड में निकालना होगा। तो यहाँ पे चाल जो दे रखी है, इनकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस करिए कितना आएगा, 18 को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 की मल्टीप्लाई करके आपने क्या कर लिया, उसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया, कितना आ गया, 18 से 18 कटेगा तो 5 मीटर पर सेकंड ही बच जाएगा। तो यानी कि इनकी चाल जो आ गई है, डिफरेंस जो इनकी चाल का, वो 5 मीटर पर सेकंड है। अभी देखिए किलोमीटर में आप ऐसे भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता कि सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलते, फिर इसको बदलते, फिर जो उनका डिफरेंस निकालते, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम आपको पता है 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60 सेकंड रख लेनी है। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन आपको पता है कितनी है, 125 मीटर, तो 125 मीटर लिख ली। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आपको निकालनी है, तो दूसरी ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है, तो आपको वहाँ पे L2 ही रख देना है, अपॉन में 5। ठीक है, जो चाल है आपकी, अब बस इसको सोल्व कर लीजिए इस तरीके से कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 60 की 5 में करेंगे 300 हो जाएगा, इधर 125 प्लस L2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 125 को 300 में से माइनस करेंगे तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, 175 मीटर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे इस टाइप का 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी जो आपकी ALP टेक्नीशियन की जो पेपर चल रहे हैं इसमें। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई बार तो आपको टाइम पूछ लिया जाता है, कई बार आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, प्लेटफॉर्म तो कहीं चलेगा नहीं, उसकी तो कोई स्पीड नहीं होगी, तो वो स्थिर रहेगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ तो दोनों की लेंगे, तब भी ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की, बट स्पीड यहाँ पे जो स्पीड लेनी है वो डिफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड ही नहीं होती, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेन की ही स्पीड लेनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गए होंगे। और देखिए, हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को, चलिए वो देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शायद एक ऐसा लिया है, देखते हैं। हाँ देखिए, एक ये क्वेश्चन मैंने लिया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पे चाल नहीं बताई गई है, और अभी मैंने बताया था कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ को आती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उन दोनों की चाल का प्लस लेते हैं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ तो दोनों की लेंगे अभी भी हम, L1 L2 करेंगे, और स्पीड में हम डिफरेंस नहीं लेंगे, स्पीड का दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए इसका लॉजिक भी आप समझ लीजिए, भाई दो ट्रेन है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, ये दोनों की दोनों मतलब लगातार आपकी वो कर रही है डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसलिए हम इन दोनों की स्पीड का प्लस कर लेते हैं, और जब वो एक ही डायरेक्शन में जाती है तो वो अपनी सेपरेट डिस्टेंस को कवर करती है, तो इसलिए वहाँ पे स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीड हमें पता नहीं है, जो चीज़ें पता है उसको ले लेते हैं। 12 सेकंड में पार करती है तो टाइम 12 सेकंड हो जाएगा। लेंथ 1 आपकी 120 है तो सेकंड भी 120 है, क्योंकि दोनों की सेम लेंथ है, ठीक है, 120 120 है तो दोनों की हम ले लेंगे। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे 2s लिख लिया। अब इनकी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 12 में 2s की मल्टीप्लाई करेंगे 24s, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, ठीक है। यहाँ पे अब s की वैल्यू निकालने के लिए 240 को डिवाइड करेंगे हम 24 से, तो कितना आ जाएगा, s बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। s बराबर कितना आ गया आपका, 24 से जाएगा कितने बार, 10 बार, तो s बराबर आपका 10 मीटर पर सेकेंड, या तो आपका आंसर यही होगा। अगर ये आंसर नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आर में होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे बदलते हैं, 18/5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 36 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5 से 2 बार जाएगा, 2 18 से 2 करेंगे, 36 किलोमीटर पर आर आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं आपका, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रमश 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो वो मेन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें MDH वाला फॉर्मूला लगता है, M1D1 और ये वाला, वो मैंने करा रखे हैं कई बार, अभी भी मैं उनको आगे भी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है 10 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में कर लेता है, और सी 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ से जो 60 आया है, ये टोटल यूनिट वर्क आ गया। यहाँ से हम इनका एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे, ए बी सी एक एक दिन में कितना वर्क करते हैं भाई, ये हम निकाल लेंगे भाई। 60 को ए हमें पता है 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है काम को, तो एक दिन में कितना करता होगा, 60 को 10 से भाग करेंगे तो ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता होगा। फिर 60 को 12 से भाग करेंगे तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है। फिर 60 को हम 15 से भाग करेंगे तो सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। अभी यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बोला गया कि ये तीनों हमें पता चल गया इतने इतने दिन में करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देते हैं, भाई ए जो है सबसे पहले काम छोड़ेगा और वो भी 2 दिन बाद, तो इसका मतलब तीनों ने मिलके, तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 15 यूनिट वर्क, तीनों ने 2 दिन तो वर्क किया होगा, ठीक है, तीनों ने साथ में, तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना वर्क कर लेंगे भाई, एक दिन में तो 15 करते हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 30 यूनिट वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस 60 में से 30 को हम कर देंगे माइनस, ये कितने 2 दिन का वर्क है, तो कितना बचेगा, 30 बच गया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, ए काम छोड़ देता है उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। अभी मुझे एक चीज बताइए, अगर सी काम छोड़ देता है अगले 2 दिन बाद, ठीक है, तो यहां पे तो यहाँ से क्या पता चला है, अगले 2 दिन तक बी और सी ने काम किया होगा, तो बी और सी 2 दिन में, सॉरी एक दिन में 9 यूनिट वर्क करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 18, तो हम इस 18 को भी यहाँ से इस रिमेनिंग वर्क में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2 दिन का वर्क और माइनस हो गया, कितना, माइनस 18 करेंगे तो बचेगा कितना, 12, ठीक है भाई, 12 आपके सामने बच गया है। अब इस काम को कौन करेगा अकेला, इस काम को अकेला करेगा बी, ठीक है, तो बी इसे करेगा कितने दिन में भाई, 12, ए ने भी छोड़ दिया 2 दिन बाद, फिर उसके सी ने भी छोड़ दिया, अभी बचा कौन है, अभी बी बचा है, और रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 12, तो 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में जाएगा, 2/5, यानी कि इतने दिन में ये वर्क को कंप्लीट कर देगा। अभी आप सारे डेज जोड़ लीजिए, ये भी यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 6 × 2/5 दिन में ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और या फिर आपका वो MDH वाला आ रहा है, यानी कि एक आदमी इतने दिन में काम कर लेता है तो उसमें से 10 आदमी घटा के फिर इतने दिन में कितने दिन में वो वर्क करेंगे, कुछ इस टाइप का मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में जो वीडियो दूंगा, या फिर आप एनालिसिस की वीडियोस देख लीजिए, वहां पे मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं उसके, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन आपका है, अभी यहाँ पे इसमें अगर इस तरीके से आपको संख्या दे रखी है और इसमें पूछे जाए HCF ज्ञात करें, तो इसकी एक ट्रिक होती है HCF ज्ञात करने की।
जब भी आपको ऐसा होता है बस आपको वहां पे एक देखना होता है जिसकी पावर सबसे छोटी होती है उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे इन तीनों में सबसे पावर छोटी किसकी है, पावर बोला है मैंने, नंबर नहीं बोला, पावर। तो यहाँ पे 7 की पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5 की 3, 2 की 3, तो यानी कि 7 की पावर 2 है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें देखे सबसे पावर छोटी किसकी है, 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 5 की 2 है और 7 की 4 है। अभी आप यहाँ पे सोचेंगे कि 5 की तो 2 है, फिर यहाँ पे नंबर भी आपको देखना होता है कि कौन सा छोटा है, तो ये यहाँ पे रख लेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 5 की यानी कि कुछ नहीं है, तो 5 ही हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 2 का कितना हो जाएगा 4, और 5 का आपका 5 रहेगा, तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 980, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। बहुत आसान है एचसीएफ निकालना, अगर आपको पता है तो आसान है, अगर नहीं पता तो आप टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए का भाग का 3 गुना, बी के भाग के 4 गुना, सी के भाग के 7 गुना परम पर बराबर है, सी का भाग कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए क्या करना है, देखिए 427 रुपये को ए बी सी में किस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग के 4 गुना तथा सी के भाग के 7 गुना परस्पर बराबर है, सी का भाग कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ए इंटू 3 लिख लेंगे, ठीक है, ए का भाग 3 गुना बी के भाग के, ठीक है, फिर बी का 4 गुना कर लेंगे, बी गुना 4 है, ठीक है, सी के भाग के 7 गुना, तो सी का 7 गुना कर लेंगे। अब इस तरीके से आप करने के बाद में इनका रेशो कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया ए 3, बी 4 और C 7, ये इनका रेशो नहीं बना है, ए का रेशो होगा 4, बी का होगा 3, ठीक है, बी का होगा 7 और सी का होगा 4, इस तरीके से रेशो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल वैसे हम लिख लेते हैं इनको जैसे हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने रेशो वाला चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ए बी बी सी आपने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, ए बी का रेशो कितना है, ए का हो गया आपका 4, तो आपने 4 लिख लिया, और बी का आपका हो गया 3, तो बी का आपने 3 लिख लिया, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आपने लिखा बी का 7, तो बी का आपने 7 लिख लिया, अभी ये रेशो नहीं आया है, ठीक है, रेशो अभी निकलेगा, ये एक तरीका है रेशो निकालने का। फिर यहाँ पे सी का हो गया 4, तो सी का आपने 4 लिख लिया। आपने इस तरीके से लिखने के बाद में अब इनके कर लीजिए उल्टा एन वाला, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इस तरीके से मल्टीप्लाई। सबसे पहले इनकी करेंगे तो ए का आ जाएगा, तो कितना होगा, ए का 28। फिर ऐसे करेंगे इनकी मल्टीप्लाई तो ये बी का आ जाएगा, बी का कितना आ गया आपका यहाँ पे 7 या 21, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों की करेंगे 4 या 12, तो सी का आ गया आपका 12। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 427 रुपये में से सी का भाग कितना होगा, सी का भाग पूछा ना, और टोटल कितने 427, तो इन सभी को आपको क्या करना है, 427 को भाग कर देना है इन सभी को प्लस करके, तो कितना हो गया, इन सभी को प्लस करने के बाद में ये होगा 61, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 61 से ये 21 है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, और यहाँ पे पूछा किसका है, सी का रेशो कितना है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो सी का आपका आंसर आ गया 84 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार पूछ लीजिएगा, मैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। वैसे मैंने क्वेश्चन पहले भी किसी वीडियो में कवर करा है जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एक मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 3:2 है, यदि इसमें स्पिरिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी है। तो स्पिरिट वाटर का रेशो क्या दे रखा है, 3:2 आपने लिख लिया। यहाँ पे बोला स्पिरिट की मात्रा अगर पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है तो इनके रेशो का डिफरेंस कितना है भाई, 1, और वैसे एक्चुअल में इनका कितना बताया गया है, वो 3 लीटर का डिफरेंस बताया गया है, तो इस 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, 1 के इक्वल 3 हो जाएंगे, तो 3 के इक्वल क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा है कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो 3 के इक्वल क्या होगा, इनकी ऐसे कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये 9 लीटर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 = 3 है, तो 3 / 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, स्प्रिट का पूछा है तो 3 का, वाटर का पूछते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, वाटर हो जाता 6 लीटर और स्प्रिट हो गया आपके 9 लीटर। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगर अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ में अभी जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलते हैं जब आपका बेल आइकन भी ऑन होता है। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।